हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, क्या आपको पता है क्रिकेट को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। सब्जियों ने दिखाए तेवर, मार्च में बढ़ गई थोक महंगाई, आलू ने सबसे ज्यादा किया परेशान, प्याज भी दिखाने लगा रंग। देश में सब्जियों, आलू, प्याज और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण थोक मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई दर मार्च में मामूली रूप से बढ़कर 0.53% हो गई है, जो कि फरवरी में 0.20% थी। थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल से अक्टूबर तक लगातार शून्य से नीचे बनी हुई थी। नवंबर में यह 0.26% थी, जबकि दिसंबर 2022 में यह 5.02% रही थी। वहीं वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI आंकड़ों पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर मार्च 2024 में 0.53% अस्थायी पहुँच गई है। आलू की मुद्रास्फीति मार्च 2023 में 25.59% थी, जो मार्च में 2024 में करीब दोगुनी बढ़कर 52.96% हो गई। इसी तरह प्याज की महंगाई दर बीते महीने 56.99% रही, जो कि मार्च 2023 में शून्य से नीचे -36.83% थी। चंडीगढ़ की 53% आबादी का लीवर फैटी, स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। शराब पीने से लीवर खराब होता है यह तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन उत्तर भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान PGI ने अपनी स्टडी में पाया है कि दिखने में तंदुरुस्त और अपने आप को स्वस्थ मानने वाले लोग, जो कि खान पान रहन सहन के तरीके सही से पालन नहीं करते हैं और इस कारण से फैटी लीवर से ग्रस्त हो जाते हैं। PGI ने अपनी स्टडी में पाया है कि चंडीगढ़ में हर दूसरा शख्स फैटी लीवर से ग्रस्त है और लगभग 53% लोग इस बीमारी की चपेट में हैं। PGI चंडीगढ़ के हेपेटोलॉजी डिपार्टमेंट ने ये चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल खान पान आजकल के जीने का तरीका आपकी सेहत को परेशानी में डाल सकता है। PGI चंडीगढ़ ने अपनी स्टडी में पाया है कि लगभग 53% लोग चंडीगढ़ में यहाँ इस बीमारी से ग्रस्त है, यानी कि चंडीगढ़ में हर दूसरा व्यक्ति फैटी लीवर से परेशान है। हैरानी की बात तो ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने PGI चंडीगढ़ में अपना खून दान किया था और वो लोग अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त मान रहे थे। रामनवमी पर मेरठ से अयोध्या जाने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी, बसों की संख्या बढ़ी। अयोध्या धाम में रामनवमी को होने वाले कार्यक्रम को लेकर मेरठ रोडवेज विभाग द्वारा भी तैयारी शुरू कर दी गई है। मेरठ से जो भी राम भक्त अयोध्या जाना चाहते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए एक तरफ से जहां पहले की तुलना में यहां बसों की संख्या बढ़ा दी जा रही है। बता दें कि सोहराब गेट बस स्टैंड के प्रभारी आसिफ अली ने बताया कि अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जो भी श्रद्धालु रोडवेज की बस के माध्यम से जाना चाहते हैं, ऐसे सभी श्रद्धालुओं का ध्यान रखते हुए बसों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि अभी तक 5 बस मेरठ सोहराब गेट बस स्टैंड से अयोध्या के लिए संचालित की जा रही थी, जिनकी संख्या अब 16 कर दी गई है। इसमें एक बस हस्तिनापुर महाभारत कालीन धरती से भी सीधे अयोध्या धाम भेजी जाएगी और इतना ही नहीं, अगर यात्रियों की संख्या अधिक होगी तो और भी बसों को लगाया जाएगा। हरियाणा में फिर हादसे का शिकार हुए स्कूली बच्चे, बच्ची की मौत, 5 हुए घायल। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के बाद अब यमुनानगर में स्कूली बच्चे हादसे का शिकार हो गए हैं। यहां पर स्कूली बच्चों को ले जा रहा ऑटो हादसे का शिकार हो गया है। इस दौरान यहां एक बच्ची की मौत हो गई है जबकि 5 अन्य बच्चे घायल हैं। फिलहाल पुलिस इस हादसे की जाँच कर रही है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा में एक सड़क हादसा पेश आया, हादसे का शिकार स्कूली बच्चे हुए हैं। स्कूली बच्चों से भरे हुए ऑटो और बाइक में टक्कर हो गई और इस हादसे में छात्रा की मौत हो गई। हादसे में 5 बच्चों को चोट लगी है और हादसे का शिकार हुई छात्रा का नाम हिमानी है और वह 3री क्लास में पढ़ती थी। हादसे के बाद परिजन उसे एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए थे, लेकिन इस दौरान उसने दम तोड़ दिया। MBBS और मेडिकल PG के स्टूडेंट्स रहे सावधान, फर्जी खबरों को लेकर NMC का अलर्ट जारी। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए जरूरी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने MBBS, BDS व मेडिकल PG स्टूडेंट्स को फर्जी खबरों के प्रचार प्रसार से दूर रहने व उनकी पहचान करने की सलाह दी है। आयोग मेडिकल कॉलेजों व स्टूडेंट्स के लिए समय समय पर जरूरी दिशा निर्देश जारी करता रहता है।
नीट यूजी परीक्षा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और नीट यूजी परीक्षा 5 मई 2024 को होगी। इसके बाद यहां पर मेडिकल कॉलेज एडमिशन काउंसलिंग के जरिए स्टूडेंट्स को MBBS व BDS पाठ्यक्रमों में दाखिला दिया जाएगा। NMC ने यह नोटिफिकेशन नए सत्र में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए जारी किया है और अगर आप भी 2024 सेशन में मेडिकल कॉलेज में दाखिले की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए खास तौर से है। रामनवमी को चित्रकूट में होगा विशेष कार्यक्रम, 11 लाख दीप से चमकेगी धर्मनगरी। धर्मनगरी चित्रकूट में 17 अप्रैल रामनवमी के दिन चित्रकूट के साधु संत व उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का प्रशासन 11 लाख दीप प्रज्वलित करने जा रहा है। इसे लेकर तेजी से तैयारियां चल रही हैं। बता दें कि रामनवमी के पर्व में पिछले साल भी 11 लाख दीप प्रज्वलित करके धर्मनगरी को सजाया गया था और इस बार भी रामनवमी के पर्व के दिन रामघाट, कामतानाथ सहित अन्य धार्मिक स्थलों को मिलाकर शाम 7 बजे से 11 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। और अगर आप भी इस भव्य नज़ारे को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो आपको चित्रकूट के रामघाट पहुंचना होगा। अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से पहले झटका, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली ये राहत, ईडी को नोटिस जारी किया गया। दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 24 अप्रैल से पहले जवाब देने को कहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव प्रचार करने के लिए रिहाई की मांग की थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल तक टाल दी और ईडी को नोटिस जारी करके जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। मामले की सुनवाई के दौरान जब अरविंद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दे रहे थे तभी अदालत ने कहा कि अपनी दलीलें सुनवाई के दौरान बहस के लिए बचाकर रखें। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी के द्वारा अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत द्वारा की गई कस्टडी को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। 11 ट्रेनी थानेदारों की जमानत पर आया स्टे आदेश, 4 दूसरे अन्य सब इंस्पेक्टर्स को SOG ने लिया रिमांड पर। बता दें कि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक केस में जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की रिहाई पर रोक लगा दी है। वहीं इस केस में अब एक दिन पहले गिरफ्तार किए गए 4 और ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को 5 दिन के लिए SOG को रिमांड पर सौंप दिया गया है। रिमांड पर लिए गए 4 ट्रेनी थानेदारों में हरिओम, विक्रम, श्रवण कुमार और श्याम प्रताप सिंह शामिल हैं। बता दें कि अभी और भी कई ट्रेनी थानेदार SOG के रडार पर हैं। SOG अधिकारियों ने बताया कि हाईकोर्ट ने 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की रिहाई पर रोक लगा दी है। इन 11 ट्रेनी थानेदारों की जमानत याचिका को 12 अप्रैल को मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट वकील ने स्वीकार किया था और कोर्ट ने इन 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की जमानत याचिका स्वीकार कर ली थी, लेकिन जमानत ऑर्डर देर शाम कल जेल प्रशासन के पास नहीं पहुंचने के कारण उनकी रिहाई नहीं हो सकी थी। दुनिया के पुरुषों पर प्रोस्टेट कैंसर की सुनामी का खतरा, पर एक्सपर्ट्स की बात मान लेंगे तो बीमारी से रहेंगे महफूज। द लैंसेट की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर के पुरुषों पर प्रोस्टेट कैंसर की सुनामी का खतरा बढ़ गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2040 तक दुनिया में 29 लाख पुरुष प्रोस्टेट कैंसर के शिकार होंगे। वहीं भारत में भी इस प्रोस्टेट कैंसर के भयावह मामले सामने आने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2040 तक दुनिया में हर एक साल 71,000 प्रोस्टेट कैंसर के नए मामले आएंगे। वर्तमान में पुरुषों में प्रोस्टेट और लंग्स कैंसर के मामले सबसे अधिक रिपोर्ट किए जा रहे हैं, वहीं महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर का जोखिम सबसे अधिक रहता है। कई अध्ययनों में यह बात सामने आ चुकी है कि कैंसर के लिए सबसे ज्यादा खराब लाइफस्टाइल ही जिम्मेदार है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इससे न सिर्फ वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र पर दबाव बढ़ेगा बल्कि कैंसर से मृत्यु दर भी बढ़ेगी। बता दें कि जिस तरह से दुनिया भर में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ा है उसमें एक्सपर्ट्स ने पुरुषों को लाइफस्टाइल सही करने की सलाह दी है। एक्सपर्ट ने कहा है कि यदि लोग अपना लाइफस्टाइल सही कर लें तो प्रोस्टेट कैंसर का जोखिम बहुत कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी पुरुषों को विशेष सावधानी बरतने रहने की आवश्यकता है। धर्मशिला अस्पताल की सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट कनिका सूद का कहना है कि लैंसेट कमीशन की इस रिपोर्ट में हमें अभी सतर्क हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि प्रोस्टेट कैंसर से बचने के लिए जागरूकता सबसे जरूरी है। लोगों को पता नहीं रहता है कि कैंसर से बचने के लिए क्या करना चाहिए और इससे बचने के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव करना बेहद जरूरी है।
सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले कौन, हो गई है इनकी पहचान। क्राइम ब्रांच का हुआ बड़ा खुलासा। मुंबई में फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों से मिली हुई जानकारी के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच ने दो आरोपियों की पहचान कर ली है और दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पुलिस ने दावा किया है कि एक शख्स बाइक ओनर है जो कि रायगढ़ का रहने वाला है और दूसरा एजेंट बताया जा रहा है। क्राइम विभाग ने बताया है कि ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी शूटर ओनर से डायरेक्ट बाइक खरीदी थी या फिर कोई और इसे खरीद कर हैंड ओवर किया था। वहीं सूत्रों के मुताबिक दोनों शूटर्स पिछले 15 दिनों से मुंबई में रह रहे हैं। जिस शख्स ने फायरिंग की है उसने रायगढ़ से एक आदमी से बाइक खरीदी थी। पुलिस बाइक बेचने वाले और एजेंट से पूछताछ कर रही है। अरविंद केजरीवाल के एक और विधायक को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अब ईडी के सामने होना होगा पेश। बता दें कि दिल्ली वफ बोर्ड में कथित रूप से घोटाले के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्ला खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की ओखला सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्ला खान को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इसके साथ ही अमनतुल्ला खान को 18 अप्रैल को ईडी के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। बता दें कि ईडी की नोटिस पर अमनतुल्ला खान के पेश न होने पर निचली अदालत समन जारी कर चुकी है और इसके साथ ही ईडी ने सेशन कोर्ट से अमनतुल्ला खान को गैर जमानती वारंट जारी करने की भी मांग की थी। वहीं हाईकोर्ट भी अमनतुल्ला खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुका है। हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों द्वारा बार बार जारी किए गए समन की खान द्वारा अवहेलना किए जाने को गलत बताते हुए 11 मार्च को खान को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। जयपुर एयरपोर्ट से सफर करना होगा महंगा, यूडीएफ चार्ज में तगड़ी बढ़ोतरी की तैयारी। जान लीजिए कितना देना होगा आपको चार्ज। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई यात्रा अब महंगी होने जा रही है। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों पर लगने वाले टैक्स यूडीएफ को दोगुना करने की तैयारी कर ली है। UDF यानी कि यूजर डेवलपमेंट फीस के तौर पर इसे वसूला जाता है और वर्तमान समय में जयपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले हर यात्री से 465 रुपए बतौर UDF टैक्स लिया जाता है, लेकिन अब इस राशि को बढ़ा करके 910 रुपए करने की तैयारी की जा रही है। UDF को लगभग दोगुना किए जाने से हवाई यात्रियों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हवाई किराया पहले से ही महंगा है और अब UDF चार्ज भी उसमें डबल जोड़ा जाएगा। बड़ी बात यह भी है कि जयपुर से केवल डिपार्चर वाले यात्रियों का UDF टैक्स ही नहीं बढ़ेगा बल्कि आने वाले यात्रियों से भी UDF वसूल किया जाएगा। देश में ज्यादातर एयरपोर्ट्स पर अराइवल यात्रियों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता है और इसके पीछे वजह यह है कि अराइवल वाले यात्री एयरपोर्ट पर किसी तरह की सुविधा का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि वे लैंड होते ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकल जाते हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर 1 जून से अराइवल यात्रियों से भी टैक्स वसूलने की तैयारी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ईडी ने मनीष सिसोदिया की जमानत का किया विरोध, अदालत में रखी यह दलील। दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने एक अदालत से कहा कि गंभीर मामलों में ट्रायल में देरी आरोपी के लिए जमानत का आधार नहीं हो सकती। जांच एजेंसी ने संबंध में यहां सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का भी हवाला दिया। ईडी ने कहा कि अगर सिसोदिया के वकील सिर्फ ट्रायल में देरी को लेकर जमानत के लिए दबाव बना रहे हैं तो इस मुद्दे को लेकर उनको हलफनामा देना चाहिए। ईडी ने कहा कि पहले भी हमने अदालत को बताया है कि बड़ी संख्या में आवेदन दायर किए गए थे और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि मुकदमा कछुआ गति से आगे बढ़ रहा है। के पाठक ने फिर जारी कर दिया टेंशन देने वाला फरमान, गर्मी की छुट्टी में भी तनाव में रहेंगे शिक्षक। बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, इसका लाभ विभाग को मिल भी रहा है। एक ओर विभाग स्कूली बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है तो वहीं दूसरी ओर शिक्षकों का भी धीरे धीरे उन पर शिकंजा कस रहा है। पहले गर्मी की छुट्टी में स्कूल पूरी तरह से बंद रहते थे, शिक्षक घरों पर रहते थे, लेकिन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने उस परिपाटी को बदल दिया है। यानी कि गर्मी की छुट्टी में भी स्कूल खुले रहेंगे और इस दौरान कमजोर बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं संचालित की जाएंगी। के पाठक के निर्देश के आलोक में DEO प्रमोद कुमार साहू ने एक लेटर जारी किया है जिसमें 100% स्कूलों का निरीक्षण किए जाने का जिक्र है। DEO के स्तर से निरीक्षण के लिए मॉडल रोस्टर तैयार किया गया है। रोस्टर के मुताबिक 15 अप्रैल से निरीक्षण शुरू करना है और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। परसौनी प्रखंड में स्कूलों का निरीक्षण BRP शशि कुमार, सोनू कुमार, अंजनी कुमार, ललन किशोर, फकीरा पासवान, BPM अर्णव कुमार, बोखड़ा प्रखंड में BRP मोती कुमारी, रवि कुमार समेत अन्य निरीक्षण करेंगे और सभी 17 प्रखंडों के लिए रोस्टर जारी किया गया है।
देश फर्स्ट और फैमिली फर्स्ट के बीच होने जा रहा है इस बार का चुनाव। बिहार में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार के नवादा जिले में चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मगही में भाषण की शुरुआत की। सीएम योगी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि मैं बिहार को प्रणाम करता हूं। मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, माता सीता, ऋषि मुनियों के, यहां के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहन और भाइयों, नवादा स्वर्गीय जय प्रकाश बाबू और कर्पूरी ठाकुर के भी पावन धरा नवादा है। सीएम योगी ने कहा कि श्री कृष्णा सिंह को भी बिहार के इसी धरा ने दिया है। इस धारा को नमन करते हुए कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। कांग्रेस और उनके सहयोगियों में कभी भी जय प्रकाश जी के लिए सम्मान नहीं था। कर्पूरी ठाकुर जी को कभी सम्मान नहीं दिया गया। हम सब आभारी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भाजपा ने भारत का सर्वोच्च सम्मान करके बिहार का भी सम्मान किया है। राजनीति का अपराधीकरण और परिवारवाद लोकतंत्र में सबसे बड़ी बाधा है। देश का चुनाव देश फर्स्ट और फैमिली फर्स्ट के बीच इस बार होने जा रहा है। किसी को डरने की जरूरत नहीं, पीएम मोदी ने कहा। मेरा सारा ध्यान 2047 तक भारत को विकसित बनाने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने के अपने नजरिए पर खुलकर बातचीत की। एनआईए के साथ एक इंटरव्यू में बोलते हुए उन्होंने यह डर फैलाने के लिए विपक्ष पर भी सवाल उठाया कि अगर भाजपा लोकसभा चुनाव में सत्ता में आ गई तो वह संविधान को बदलने की कोशिश करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं कहता हूं कि मेरे पास बड़ी योजनाएं हैं तो किसी को डरना नहीं चाहिए। मैं किसी को डराने या चकमा देने के लिए फैसले नहीं लेता। मैं देश के संपूर्ण विकास के लिए फैसले लेता हूं। इसके अलावा सरकारें हमेशा कहती हैं कि हमने सब कुछ किया है। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि मैंने सब कुछ किया है। मैं सब कुछ सही दिशा में करने की मैंने कोशिश की है, फिर भी मुझे बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मेरे देश की कितनी जरूरतें हैं। मैं हर परिवार के सपने को कैसे पूरा करूं, इसलिए मैं कहता हूं कि यह एक ट्रेलर है। खाटू श्याम भक्तों के लिए आई खुशखबरी। IRCTC चलाएगा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, ये होगा इसका रूट। खाटू श्याम मंदिर के दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारत गौरव पर्यटक यात्री ट्रेन अब खाटू श्याम तक जाएगी। IRCTC ने बताया है कि तीर्थ यात्रियों के लिए उत्तर दर्शन यात्रा के साथ खाटू श्याम जी दर्शन के लिए रेल सेवा शुरू की गई है, जो कि कोटा होकर जाएगी। कोटा मंडल के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह यात्री गाड़ी 5 जून को कोटा शहर से उत्तर दर्शन यात्रा के साथ खाटू श्याम जी दर्शन के लिए भी रवाना होगी। यह यात्री गाड़ी मध्य प्रदेश के रानी कमलापति, सीहोर, सुजालपुर, देवास, इंदौर, रतलाम, नगदा, श्यामगढ़, कोटा स्टेशनों से होते हुए जाएगी, जहां से यात्री इस रेलगाड़ी पर सवार हो सकेंगे। 10 रातें और 11 दिन की इस यात्रा में जयपुर, खाटू श्याम जी, मथुरा, हरिद्वार, अमृतसर और वैष्णो देवी के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। आपको बता दें कि IRCTC ने इस सर्वसमावेशी टूर की पेशकश की है, जिसमें भारत गौरव यात्री गाड़ी के विशेष LHB रेक में आरामदायक रेल यात्रा, ऑनबोर्ड और ऑफ बोर्ड भोजन, सड़क परिवहन और गुणवत्ता युक्त बसों में दर्शनीय स्थलों की यात्रा, यात्रा कार्यक्रम के अनुसार आवास की व्यवस्था, यात्रा में दूर एस्कॉर्ट्स, यात्रा बीमा, ऑनबोर्ड सुरक्षा और हाउसकीपिंग की सेवाएं शामिल हैं। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में रहने वाले लोगों के लिए आई गुड न्यूज। चुनाव के बाद पूरी होगी उनकी ये मुराद। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में रहने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज आई है। राजनगर एक्सटेंशन में सर्विस रोड बनाने का काम लोकसभा चुनाव के बाद शुरू होगा। इससे लोगों को जाम से निजात मिलेगी। पहले चरण में सिटी फॉरेस्ट से हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन तक सर्विस रोड बनाने की योजना है। आपको बता दें कि राजनगर एक्सटेंशन का मुख्य मार्ग दिल्ली मेरठ रोड से GT रोड को जोड़ता है और इस मुख्य मार्ग पर एलिवेटेड रोड भी करहेड़ा पर उतरती है। ऐसे में राजनगर एक्सटेंशन के मुख्य मार्ग पर जीटी रोड और एलिवेटेड के रास्ते दिल्ली जाने वालों पर दबाव सबसे अधिक रहता है। इसे जाम की समस्या बनी रहती है। यह समस्या सुबह और शाम के वक्त सबसे अधिक रहती है और इसी को ध्यान में रखते हुए GDA ने मुख्य मार्ग पर सर्विस रोड बनाने की योजना बनाई है, लेकिन उसे परवान नहीं चढ़ा सका। हालांकि पहले चरण में इस मार्ग पर सिटी फॉरेस्ट से हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन तक सर्विस रोड बनाने का फैसला लिया गया था, लेकिन इस पर काम शुरू नहीं हो सका था। लेकिन अब खबर है कि राजनगर एक्सटेंशन में सर्विस रोड बनाने का काम लोकसभा चुनाव के बाद शुरू होगा।
काशी विश्वनाथ मंदिर में पुलिस कर्मियों को पंडित की ड्रेस में ड्यूटी करवाने पर बोले यूपी के डीजीपी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के रूप में 2022 का विधानसभा चुनाव करवाने वाले और अब डीजीपी के रूप में लोकसभा चुनाव 2024 करवाने की जिम्मेदारी संभालने वाले डीजीपी प्रशांत कुमार का दावा है कि 2022 के चुनाव में हिंसा की एक भी घटना नहीं हुई। ऐसा ही रिकॉर्ड 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बनाए रखा जाएगा। विरोधी दलों द्वारा वाराणसी में पुलिस कर्मियों को पंडित के ड्रेस में ड्यूटी करवाने का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। क्या आप इस ड्रेस कोड को पुलिस रेगुलेशन के हिसाब से सही मानते हैं? इस पर उन्होंने कहा कि यह ट्रायल बेस पर वाराणसी के पुलिस कमिश्नर के द्वारा किया जा रहा है। शासन या मुख्यालय से इस संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया गया, ये कोई नई बात नहीं है। अक्सर पुलिस कर्मियों को सूचनाएं जुटाने, ऑपरेशनल मोटिव से भेष बदल कर निगरानी के लिए इस तरह की ड्यूटी में लगाया जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान भी पुलिस कर्मियों को कांवड़ियों के भेष में तैनात किया जाता है। यह कोई स्थायी व्यवस्था नहीं होती है। धार्मिक आयोजनों और विशेष धार्मिक स्थलों पर इस तरह के इनोवेशन पुलिस द्वारा किए जाते हैं। केरल और दिल्ली की सत्ता में आएगी कांग्रेस, वायनाड में दहाड़े राहुल गांधी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के पार्टनर लेफ्ट पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस केरल और दिल्ली में सत्ता में आएगी। वायनाड से दोबारा चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के नेता ने अपनी निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के लिए राज्य और केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। सुल्तान बाथेरी में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि वायनाड कुछ समस्याओं का सामना कर रहा है और इसमें मानव पशु संघर्ष, रात के यातायात का मुद्दा और चिकित्सा सुविधाओं से जुड़े हुए मुद्दे, मेडिकल कॉलेज की कमी शामिल हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कई मौकों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को लिखा है, लेकिन ये दोनों सरकारें वायनाड के प्रति सौतेला रवैया अपना रही हैं। समस्या यह है कि हम दिल्ली या यहाँ सत्ता में नहीं हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वायनाड की समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस दिल्ली और केरल में भी सत्ता में आने वाली है। उन्होंने कहा कि जब भी वह वायनाड आते हैं, उन्हें लगता है कि वह अपने घर आए हैं। आज का सुविचार, रिश्तों की अहमियत पैसों की तरह ही होती है। दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।